क्या आप लोगों को पता है कि कॉपीराइट क्या होता है? फिर कॉपीराइट के भी दो प्रकार होते हैं, फर्स्ट जो होता है मेरा कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक। तो क्या आपके चैनल पे कभी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक लगा है? और लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आज आप सभी लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ आया हूं। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉपीराइट स्ट्राइक वर्सेस कॉपीराइट क्लेम। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में फुल्ली डिटेल में जानेंगे कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, कॉपीराइट क्लेम क्या होता है। तो वीडियो से बने रहना है आप लोगों को, और मैं आप लोगों को साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि मेरे चैनल पे क्या लगाया गया है और उसका उपाय क्या है। तो मैं कंप्लीट इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स में, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है सारे लोगों के पास पहुँच सके और वो लोग ऐसा गलती ना करे जैसा मैंने वीडियो में गलती किया था। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे STTP चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एक और अच्छा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो हमारे STTP चैनल पे ऑटोकैड का सीरीज चलाया गया है। कोई भी पर्सन इंजीनियर्स है जो ऑटोकैड सीखना चाहते हैं तो ऊपर प्लेलिस्ट का आपको लिंक दिख जाएगा, आप सिंपली वहां से देख सकते हो। तो दोस्तों चलिए हम लोग कॉपीराइट के बारे में जानते हैं। तो कॉपीराइट का मतलब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ सिंपल सा भाषा में। तो कॉपीराइट का मतलब हुआ कि आप किसी का भी कॉन्सेप्ट, वीडियो, सॉन्ग, कॉमेडी, कुछ भी चीज आप बिना अलाउ, मतलब किसी से बिना पूछे हुए आप अपने वीडियो में अटैच करके अगर YouTube पे डालते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि YouTube के द्वारा आपको कॉपीराइट लगा दिया जाता है। अब कॉपीराइट भी दो प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट जो कॉपीराइट होता है वो होता है कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक। इन दोनों को लगने से क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है चैनल पे, ये सभी चीज़ का जानकारी आप लोगों को मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट जानते हैं कॉपीराइट क्लेम के बारे में। तो कॉपीराइट क्लेम जो है, क्लेम और स्ट्राइक, जैसे मैंने आपको कॉपीराइट के बारे में बताया, तो सेम चीज़ यहाँ पे। क्लेम में क्या होता है कि आप किसी का भी वीडियो, सॉन्ग और कॉमेडी, ये सब चीज़ अगर कॉपी करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि कॉपीराइट में भी आपको कॉपीराइट क्लेम लगाया जाता है। तो अब बात आती है कि क्लेम जैसे लगेगा तो क्या यूट्यूब मुझे इन्फॉर्म करेगा? तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, तो यूट्यूब जब आपके वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम जब लग जाता है तो वहाँ पे यूट्यूब आपको कोई इन्फॉर्म नहीं देता है। जब कॉपीराइट क्लेम लगाया जाता है तो जैसे आपने किसी का वीडियो, सॉन्ग, कॉमेडी अगर किसी का कट करके आपने वीडियो में लगाया है और आपके वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आते हैं, तो उसका मतलब यहाँ पे ये हो जाते हैं कि जितने भी आपके इस वीडियो से क्रेडिट जो आप कमाओगे, मतलब जितने भी आपके इस वीडियो से पैसे आएंगे, वो सारे पैसे आपको ना आके जिसका वीडियो है उसके अकाउंट में पैसा जाता है। तो यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम का मतलब यही होता है। फिर आप लोग पूछोगे कि कॉपीराइट क्लेम को हम लोग कैसे जानेंगे कि कॉपीराइट क्लेम मेरे वीडियो पे लगा है? तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कॉपीराइट क्लेम कैसे पता करेंगे कि मेरे वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम लगा है या नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, तो मोबाइल स्क्रीन का जो प्रोसेस होगा सेम प्रोसेस आप लोगों को लैपटॉप में भी करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर आपको क्रोम ब्राउजर में अपना टाइप करना है YouTube आपको टाइप करके ओपन कर लेना है। ओपन जैसे ही करोगे तो मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, अपने चैनल के लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे जैसे ही क्लिक करोगे फिर यहाँ पे आप लोगों को क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक कर देना है। क्रिएटर स्टूडियो पे जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर आपको रिफ्रेश करके, अगर YT स्टूडियो आप में इंस्टॉल होगा तो फिर वहाँ पे रिफ्रेश करके फिर आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हो कि मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुला है। अब आप लोगों को क्या करना है, उसी कॉलम में आप लोगों को एक कॉपीराइट करके सिंबल आप लोगों को मिल जाएगा, फिर आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो अभी कोई भी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम नहीं लगाया गया है। अगर आपका किसी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम लगाया जाता है तो यहाँ पे आप लोगों को सारा शो कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि कॉपीराइट क्लेम अगर मेरे वीडियो पे लग गया है तो वो कैसे जानेंगे? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अगर बता दूँ तो आप लोगों को समझ में भी आई थिंक नहीं आएगा। इस पे आप लोगों को यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो पे कभी कॉपीराइट क्लेम आता है तो उस पे मैं स्पेशली एक वीडियो बना के आप लोगों को बता भी दूंगा। बट मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, तो एक वीडियो पे मेरे कॉपीराइट क्लेम आया था, मैंने उसको सुधार लिया था। तो दोस्तों चलिए हम लोग जानते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है। तो मैं आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में बता दूं, तो अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक किसी के द्वारा लगाया जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, फिर आप वहां पे थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो अभी जो मेरे साथ हुआ है तत्काल में ऐसा ही हुआ है, सेम कंडीशन। मैं आप लोगों को यहाँ पे सारा चीज दिखा देता हूँ आप लोगों को। अभी से 1 से 1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो लॉन्च किया था जिसका नाम था हाउ टू डाउनलोड एक्सपोज कीजेन। तो मैं उस वीडियो के बारे में आप लोगों को बता दूं, तो उस वीडियो में ओनली मैंने ये चीज बताया था कि आपको
जो भी पेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसको आप लोग फ्री में कैसे क्रैक कर सकते हो, तो उसको मैंने यूट्यूब पे लाइव भी ना बताया था, ओनली मैंने बोला था कि से ये इस वीडियो का आपको मतलब डाउनलोड का भी मैं आपको टेलीग्राम पे सब चीज अवेलेबल करवा दूंगा। मुझसे मिस्टेक कहाँ पे हुई, मेरे वीडियो पे उन्होंने स्ट्राइक नहीं लगाया। आप लोगों को सुन के आप लोगों को हो सकता है तो हंसी भी आएगी, मुझे खुद पहले हंसी आई फिर मैं बहुत ज्यादा मतलब निराश हो गया था। वीडियो पे मेरा स्ट्राइक नहीं लगाया गया था, स्ट्राइक मेरा जो लगाया गया था टाइटल पे लगाया गया था। इसीलिए आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि टाइटल जो आप लोग लिखते हो वीडियो का, आप लोग उसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो आप जब भी जैसा ये वीडियो जो था मेरा काफ़ी पॉपुलर हो गया था यूट्यूब पे, एक महीने में मेरा अच्छे खासे व्यूज आ गए थे इस वीडियो पे। तो इससे क्या हुआ कि जब भी आप यूट्यूब पे सर्च मारते थे इस वीडियो को, तो फर्स्ट जो वीडियो शो करता था मेरा ही वीडियो शो करता था। तो मेरे को आई थिंक लगता है क्या, जब आप आगे बढ़ते हो ना तो दुश्मन आपके पीछे बहुत सारे आ जाते हैं, तो यहाँ पे यही चीज हुआ मेरे साथ। और हमारे YouTube भैया जो है, YouTube भैया ने क्या किया, एक कहावत है जब आदमी जब नशे के धुत में होता है तो वो किसी का नहीं सुनता है, यही चीज हुआ। नशे के धुत में होता है तो वो आराम से सोया रहता है, उसको बाहर की दुनिया से कोई अता पता नहीं होता है। वही चीज यहाँ पे यूट्यूब भाई साहब के द्वारा, YouTube के द्वारा क्या हुआ कि जब भी मैंने ये वीडियो डाला है तो YouTube मुझे इन्फॉर्म कर सकता था। YouTube का मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, इनसे मैं YouTube भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि YouTube पे आप एक फीचर्स ऑटोडेस्क का जो कंपनी होता है उसका मैंने उस वीडियो में नाम लिख दिया था, उसी कारण उसने मेरे वीडियो पे स्ट्राइक लगा दिया गया। मैं आप लोगों को अभी दिखा भी दूंगा कि मेल के द्वारा कि उन्होंने मेरा वीडियो पे स्ट्राइक लगाया था। YouTube भैया क्या किए कि मुझे मेल करते हैं कि आपके वीडियो पे स्ट्राइक लगा दिया गया है और YouTube के तरफ से उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। मतलब अभी जैसे मैं YT स्टूडियो खोल के मैं अपना देखूंगा तो ओनली मुझे वो वीडियो शो होगा, आप लोगों को शो नहीं होगा। और कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे लग जाते हैं तो कॉपीराइट स्ट्राइक जो है 3 महीने के वैलिडिटी पे लग, जैसे आप मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक अभी लग गया, अगर मेरे चैनल पे 2 स्ट्राइक और लगा दिए जाते हैं फिर मेरे चैनल को यहां से डिलीट कर दिया जाएगा। तो फिर ये सब प्रॉब्लम है यार यूट्यूब के दुनिया में, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा झंझट होता है। बट मैं अब सोचा हूँ कि बस इसमें इंटर किया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि अब जितने भी प्रॉब्लम है तो फेस तो करना ही पड़ेगा। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको बजाबते एक वीडियो बना के दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को मेल दिखाता हूँ कि YouTube ने मुझे क्या मेल किया था। तो जैसा कि आप लोगों को डिस्प्ले पे शो रहा होगा, तो ये जो है मेरा मेल है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपके जो टाइटल है उस टाइटल पे यहाँ पे स्ट्राइक लगाया गया है, और स्ट्राइक किनके द्वारा लगाया गया है, तो एलेक्स जेन भैया जी, आपको दिल से प्रणाम करता हूँ कि छोटे मोटे जो चैनल है उसको भी थोड़ा ग्रो नहीं करने दिए और उस पर स्ट्राइक लगा दिया फर्स्ट में ही। तो एलेक्स जेन जो है, जब इनका मतलब स्ट्राइक आया था तो मुझे भी नहीं पता था कि एलेक्स जेन कौन है। जब मैंने सर्च किया यूट्यूब पे एलेक्स जेन कौन है, तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि यूट्यूब है, तो गूगल भैया ने बताया कि एलेक्स जेन जो है ऑटोडेस्क के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने मेरे वीडियो पे स्ट्राइक लगा दिया। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं तो जो स्ट्राइक इन्होंने लगाया गया है बिल्कुल सही लगाया है, क्योंकि मैंने इनके कंपनी का ओनली नाम जोड़ा है तो इसके कारण मेरे वीडियो पे स्ट्राइक लगाया गया है। तो आप लोगों को भी ये गलती नहीं करना है, जब आप लोग वीडियो अपलोड करते हो तो अपने से पहले अपने वीडियो को देख लो, टाइटल क्या डालोगे, ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आप कोई भी पेड सॉफ्टवेयर को फ्री में आप YouTube पे बता रहे हो तो हो सकता है तो YouTube आपको कॉपीराइट वहाँ पे लगा सकता है। तो ये सब चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है वीडियो डालने से पहले। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ कि मेरा जो स्ट्राइक है अभी कितना दिन तक वैलिड है। फिर से हम लोग चले जाएंगे, जैसा मैंने कॉपीराइट मैंने प्रोसेस बताया था YouTube पे, फिर वहीं पे चले जाएंगे। कॉपीराइट के जस्ट ऊपर वाला जो सेक्शन है वीडियो का, वहाँ पे चले जाएंगे तो ऊपर में देख सकते हो कि मेरा वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिव 1 स्ट्राइक, मतलब 3 में से 1 स्ट्राइक आपका लगा दिया गया है। 2 स्ट्राइक अगर लगते हैं तो आपके चैनल को वहाँ पे बैंड कर दिया जाएगा, मतलब टोटली आपको डिलीट कर दिया जाएगा। तो मैं इस चीज़ से थोड़ा सा परेशान तो हुआ था उस समय, तो मैंने सोचा कि परेशान होने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैं सोचा कि वीडियो बना के आप लोगों को कंटिन्यू डालूँ। जब बोलते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो मेहनत कर रहा हूँ, फल देना ऊपर वाला के हाथ में है, वो अगर देते हैं तो फिर मुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो बस आप लोग भी इसी तरह मेहनत करो,
और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को भी दबाना मत भूलना, ताकि आपको नई टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो की अपडेट आपके मोबाइल पे जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया है तो सोशल मीडिया को जरूर फॉलो करो, वहाँ पर अच्छे अच्छे अपडेट मैं देते रहता हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे टेलीग्राम पर भी रिस्पॉन्स दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सिंपली फॉलो एवं ज्वाइन। और किसी को पर्सनल क्वेरी होती है वीडियो से रिलेटेड, अगर कोई भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी पर्सनल क्वेरी होती है, तो डिस्प्ले पे आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझे सिंपली इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।